लखनऊ के खिलाफ आया चेन्नई का तूफान, उथप्पा मोइन अली के तूफान में उड़ी राहुल की टीम। जी हाँ दोस्तों, आज चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच आईपीएल का सबसे रोमांचक मुकाबला खेला गया, जहां एक तरफ विस्फोटक खिलाड़ी रविंद्र जडेजा की टीम थी तो वहीं दूसरी तरफ लखनऊ सुपर जायंट्स के नए कप्तान लोकेश राहुल के थे। ऐसे में आज का मुकाबला बेहद ही खतरनाक था। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोनों ही टीम अपना अपना पहला मुकाबला हार कर आए थे और आज दोनों ही टीमों ने दो पॉइंट्स हासिल करने के लिए पूरी तरह से जी जान लगा दिए। वहीं इस खतरनाक और दिल दहला देने वाले मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान लोकेश राहुल ने टॉस जीता और जडेजा की टीम चेन्नई सुपर किंग्स को पहले बल्लेबाजी करने के लिए कहा। ऐसे में टॉस हारकर बड़े स्कोर खड़ा करने के इरादे से उतरे चेन्नई के दो ओपनर ऋतुराज गायकवाड़ और रॉबिन उथप्पा ने टीम को शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों बल्लेबाजों ने महज 15 गेंदों में 28 रन जड़कर लखनऊ के खेमे में खलबली मचा दी। खासकर रॉबिन उथप्पा ने आज डग आउट से ही सेट होकर आए थे और आते ही लखनऊ के गेंदबाजों पर टूट पड़े। पारी का पहला ओवर लेकर आए आवेश के पहले दो गेंदों को सीधे बाउंड्री के पार पहुंचाकर अपने इरादे तो यहीं पर जाहिर कर दिए थे और उसको अंजाम दिया आखिरी गेंद पर भी चौका जड़कर। दोस्तों, पहले ही ओवर में तीन चौका जड़कर उथप्पा ने 14 रन बटोर लिए। हालांकि ये तो शुरुआत थी, दूसरा ओवर लेकर आए दुष्यंत चमीरा को भी उथप्पा ने नहीं बख्शा। चमीरा को एक छक्का और एक चौका जड़कर इस ओवर में सभी 12 रन बटोर कर स्कोर को दो ओवर में ही 26 रन पहुंचाकर कप्तान राहुल को सोचने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, एक तरफ उथप्पा का बल्ला आग उगल रहा था तो दूसरी तरफ गायकवाड़ बिल्कुल खामोश थे। चार गेंदे खेलकर सिर्फ एक रन ही बना पाए थे। ऐसे में उन्होंने भी अपना बल्ला घुमाना चाहा, लेकिन हड़बड़ाहट में रन आउट हो गए, जिससे 28 रनों पर चेन्नई को बड़ा झटका लगा। हालांकि इस झटके से जल्दी से उबार दिया तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए मोइन अली ने। जी हाँ, आज का मैच खेल रहे मोइन अली ने आते ही लखनऊ के गेंदबाजों पर बरस पड़े। अब दोनों तरफ से राहुल के गेंदबाजों की पिटाई हो रही थी। एक तरफ उथप्पा अपना बल्ला रोकने को तैयार नहीं थे तो दूसरी तरफ मोइन अली पहले मैच को मिस करने के बाद अपना सारा गुस्सा आज के मैच में निकाल रहे थे। दोस्तों, दोनों बल्लेबाजों की कुटाई का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि महज 7 ओवर में ही दोनों बल्लेबाजों ने टीम के स्कोर को 85 रनों तक पहुंचा दिया। इस दौरान उथप्पा ने महज 26 गेंदों में ही अपना अर्धशतक पूरा करके चेन्नई के फैंस को झूमने पर मजबूर कर दिया। हालांकि उथप्पा अपने पारी को बड़े स्कोर में बदल नहीं पाए और 50 रन पर ही रवि बिश्नोई की गेंद पर LBW आउट हो गए। उथप्पा को आउट कर बिश्नोई ने लखनऊ को बड़ी राहत दिलाई। हालांकि एक तरफ मोइन अली लखनऊ के गेंदबाजों की कुटाई जारी रखी और 9वें ओवर में ही चेन्नई के स्कोर को 100 के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, यहां से चेन्नई का स्कोर 200 के पार बड़ी आसानी से पहुंचता दिखाई दे रहा था, लेकिन तभी आवेश खान ने विस्फोटक बल्लेबाज मोइन अली को बोल्ड कर चेन्नई को बड़ा झटका दिया। मोइन अली ने 22 गेंदों में दो छक्के की मदद से 35 रन बनाए। दोस्तों, रॉबिन उथप्पा और मोइन अली ने चेन्नई को शानदार शुरुआत दिलाकर एक बड़े स्कोर की नींव रख दी थी। अब उसे अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदार मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों पर थी। ऐसे में अंबाती रायडू और शिवम दुबे चेन्नई के लिए बड़ी साझेदारी की। दोनों बल्लेबाजों ने पिच का पूरा फायदा उठाया और 15 ओवर में ही टीम के स्कोर को 150 के पार पहुंचा दिया। हालांकि लखनऊ के फील्डर भी इनकी काफी मदद की। आज दबाव में फील्डिंग करते हुए फील्डरों के काफी कैच छोड़े। दोस्तों, चेन्नई के बल्लेबाज जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे, उसे देखकर तो लग रहा है चेन्नई 200 के पार बड़ी आसानी से पहुंच जाएगी।